तो यार सोलो लेवलिंग ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मैंने सोचा एक वीडियो तो मेरा ही बनता है। अगर आप सभी का इस वीडियो पर थोड़ा भी रिस्पांस आया तो मैं ऐसे ही सोलो लेवलिंग से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा। मेरा नाम है अभय, आप लोग देख रहे हैं रिज बी रियल। तो आज मैं सोलो लेवलिंग के टॉप 5 स्मार्टेस्ट कैरेक्टर के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बेरू, जो कि जुजू आइलैंड का किंग था, जिसने जापान के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर गोतो रियुजी को भी मार दिया था। बेरू अत्यधिक ताकतवर और तेज है और इसकी अडेप्ट करने की एबिलिटी तो इंसेन है, जिससे बेरू ह्यूमंस की तरह बोल सकता है। जब बेरू किसी हंटर को मारता है तो वो उसकी एबिलिटी को अडेप्ट कर सकता है। जब जिनबू ने बेरू को मारकर साडो सुजर बना दिया था, तब बेरू और भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया था। एक बार की बात है, जब जिनबू ने बेरू को हंटर के साथ डंजन में छोड़ दिया था, तब बेरू एक तरफ डंजन के मॉस्टर से फाइट कर रहा था और दूसरी तरफ हंटर को प्रोटेक्ट भी कर रहा था। इससे हम कह सकते हैं कि बेरू एक मॉस्टर होने के बाद भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। आंतरिस, जो कि मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन है और सोलो लेवलिंग का फाइनल विलन था, जिसके पास डिस्ट्रक्टिव पावर के साथ एक शार्प माइंड भी था। जब आंतरिस और ह्यूमैनिटी की फाइट होने वाली थी, तब उसके पहले आंतरिस ने पूरी दुनिया पर गेट अपीयर कर दिए, जिससे पूरी दुनिया के हंटर और यहाँ तक कि जिनबू को भी लगा कि आंतरिस पूरी वर्ल्ड पर एक साथ अटैक करने वाला है। लेकिन आंतरिस का तो पूरी दुनिया पर गेट अपीयर करने का बहाना था, असल में तो उसे पूरी दुनिया के हंटर और जिनबू को चूतिया बनाना था। उसके बाद आंतरिस ने अपनी पूरी आर्मी के साथ कनाडा पर अटैक कर दिया, जिससे वो साइड ऑफ मोनार्क को हरा सके। अब यार पूरे वर्ल्ड और यहाँ तक कि संग जिनबू तक को भी, जो कि साइड ऑफ मोनार्क है, उसे पागल बनाना कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए आंतरिस सोलो लेवलिंग के वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर में से एक है। एसबॉर्न, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर और शैडो मोनार्क है, एसबॉर्न एक्सट्रीमली पावरफुल होने के साथ साथ एक स्मार्ट बंदा भी है। एसबॉर्न की मेन एबिलिटी शैडो एक्सट्रैक्शन है, जिससे वो अपने अपोनेंट को मारकर शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। एसबॉर्न ने अकेले ही दो मोनार्क से फाइट की थी और एक को मार भी दिया था। इस फाइट में एसबॉर्न की शैडो आर्मी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और एसबॉर्न कमजोर भी हो गया था, इसलिए उसने आर्किटेक्ट से सौदा किया कि वो उसे बेसल ढूंढे। और बाद में आर्किटेक्ट ने संग जिनबू को एसबॉर्न का बेसल बनाया था, जिससे एसबॉर्न दोबारा मोनार्क से बदला ले सके। आर्किटेक्ट, जिसने एसबॉर्न के साथ सौदा किया था कि वो उसे एक ह्यूमन वेसल ढूंढेगा, बदले में एसबॉर्न आर्किटेक्ट को इमॉर्टल रखेगा। जब जिनबू डबल डंजन में रीअवेकन हुआ था, तब उसे एक यूआई सिस्टम दिखाई देने लगा था। वो सिस्टम इन्हीं महाशय आर्किटेक्ट ने बनाया था। आर्किटेक्ट का मेरे हिसाब से सबसे बड़ी उपलब्धि यही सिस्टम है, जिसका जिनबू प्लेयर था। सिस्टम में हमने देखा था किस प्रकार आर्किटेक्ट ने जिनबू को पावरफुल बनाने के लिए एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट बनाया है, जिसमें जिनबू मॉन्स्टर्स को मारकर लेवल अप कर सकता है। सिस्टम में क्विस्ट डंजन और क्विस्ट पूरी न करने पर पनिशमेंट देने का भी रूल है, जिनको फॉलो करके जिनबू इतना पावरफुल बना था। आर्किटेक्ट के पास सही बताऊं तो यार बहुत ज्यादा नॉलेज है। सोलो लेवलिंग का मेन कैरेक्टर संग जिनबू सबसे इंटेलिजेंट बंदा है, जो कितनी बार मरने से बचा है। हमने जिनबू की जर्नी देखी है कि किस प्रकार वो वीकेस्ट हंटर से दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बना था। जिनबू के पास इनक्रेडिबल पावर्स है और उसकी सबसे ओपी पावर साइडो एक्सट्रैक्शन की है, जिसका यूज करके जिनबू मरे हुए की साइडो को एक्सट्रैक्ट करके अपनी साइडो आर्मी में ऐड कर सकता है। जिनबू बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी है, जो अपनी दुश्मन की कमजोरियों को पहचान कर उसे मार देता है। जिनबू की स्मार्टनेस का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार उसने आंतरिक से फाइट में ह्यूमैनिटी को बचाया था, जो कि जिनबू की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो में। दत्ता भयो।